In other news, the Indian Navy is bolstering its forces on the strategically important islands close to the Maldives. It is set to open a new base just days before Male starts sending home Indian forces. The Navy is planning to commission the new base during the commander's conference plan that will be held on the INS Vikrant. We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion. When the neighbors are in trouble, big bullies don't supply vaccines. इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें एक कैसे एक अग्रेसिव डिजाइन एस्टैब्लिश करना है फॉर मालदीव्स एंड इन द रीजन. अब सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो एस्टैब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स. इंडिया इज बिल्डिंग अ न्यू वन, अ न्यू मिलिट्री बेस, एंड दिस न्यू बेस इज बीइंग बिल्ट इन लक्षद्वीप. Here's what we know so far. Next month, India's defense minister is heading to Minicoy. It is the southernmost island in Lakshadweep. But it's just 100 kilometers from the Maldives. मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं. अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेल आउट चाहिए, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं. मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं. नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफी काम कर रहे हैं. ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन. सेकंड, चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे, और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक. इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन. सेकेंड, चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे, और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक अफ्रीकन एरियाज और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी, और जितने भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ मिल के इशू बेस्ड कोलिशन बनाना चाहता है पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर. और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो जारी बात है US के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ये जितने भी मिनी लेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं क्वाड जैसे, इनका हिस्सा भी इंडिया है. सो इंडिया टेक्निकली आप जैसा कहते हैं ना कि एक जियोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो जियोग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इटसेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना. और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी अगलिगा में भी एक सीक्रेट बेस जो है वो बना चुका हुआ है, और ये आपको पता है कि रिमोट मॉरिशियस का आइलैंड है, और इसका मतलब है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है. ये जो मॉरिशियस में एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, इसका ताल्लुक तो जो है वो जारी बात है प्योरली चाइना को काउंटर करना है, लेकिन ये जो लक्षद्वीप में जो नेवी की बेस बनाना है इसका मतलब भी चाइना ही है. और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसको ये समझ आई है कि जितनी ज़्यादा अमेरिका से सपोर्ट, जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है और जिस तरह हमारे सामने खड़ा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट. सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो एस्टैब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स. और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में, जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर मालदीव के नॉर्थ में है, नई नेवल बेस बनाने जा रहा है, और इंडियन जो नेवी है उसने इसके हवाले से एक इंसिग्निया भी जो है वो जारी कर दिया है उस बेस के हवाले से. क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कि कहा जा रहा है कि नई बेस जो है वो 6 मार्च को खुल रही है, और ये इसके बाद क्या हो सकता है. इसके बाद जारी बात है चाइनीज़, आपको पता है उनकी प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ गई है,
आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स, कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ. सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं. लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं. अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को आईएमएफ बेलआउट चाहिए और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं. मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो आईएमएफ बेलआउट में हमारी मदद कर सकते हैं. ये पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है. हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए. मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को. आई दुनिया पीएम मोदी को हमेशा अपने बुरे वक्त में याद क्यों करती है? भारत की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? मालदीव्स ने बड़ी बदतमीजी की थी भारत के साथ, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पे हमें दिखाई दे रहा है. मालदीव्स देखिए, मालदीव्स ने तो बड़ी बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते हैं. कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है? एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता. हाँ, ऐसा ही है. ये अब आप इमेजिन ये करें कि जब अमेरिकी अथॉरिटीज खुद ये कह रही हों कि वी विल यूज इंडियन एसेट्स और इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस विद इन अफ्रीका टू इन्हेंस अमेरिकन डिजाइंस और टू इन्हेंस अमेरिकन इंटरेस्ट इन अफ्रीका, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं वो क्या हो सकता है. सो प्राइमरली ये जो कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया को एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि कैसे कैसे अमेरिका की नब्ज़ पे हाथ रख के मज़ीद एक ये देखें. व्हाट इंडियंस वांट टू डू इज़ दैट कि आप अमेरिका की छाव छतरी के नीचे इस पूरे खित्ते में अपनी आउटरीच बढ़ा लें और जितने भी खित्ते के ममालिक हैं, ठीक है, उनके साथ एक तो जितना भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कल चाइना और से आती हुई एक शिप जो मर्चेंट वैसल को पकड़ा, मैं पैगाम किसको दिया? अमेरिकन्स को, देखें वी आर इन द रीजन एंड वी आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग सो एंड सो. आज मैं देख रहा था चाइनीज़ एम्बेसी ने भी एक नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी कर दी कि चाइना जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को ऑनर करता है और इस तरह की किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनता सो एंड सो. सो और इधर मालदीव जो है वो क्योंकि दे रहा है स्पेस दे रहा है चाइना को, तो वहाँ पर भी वो अपनी अमेरिकन्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनका इस तरह इस्तेमाल